गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्म के मर्मज महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बताता हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। ओहे, समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब पुण्यात्माओं, यह तो कह रहा है कि तुमने पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुमने डरना नहीं चाहिए और पाताल में नहीं जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों से, प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर तुरंत बदल गया बात। नन्नू कह, देख मैंने एक बात सुनी है, ब्रह्मा जी ने बताई, वह सच्ची बात है, सत्य है, अटल है कि धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। यानी प्रारब्ध करता है कोई ना, और तुमने पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। एक बार देवताओं से प्राप्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे सतमंत्र कित गए हुए, ये सिर्फ भगवान की बातें हैं, मूर्ख बुराण की है। और फिर रुका ना, एक बात अटल है, मैंने सुनी है, वो तो सच्ची है, ब्रह्मा से सुनी है। अब ब्रह्मा का ज्ञान यहाँ पर सबको प्राप्त है, ब्रह्मा जी से सबने ज्ञान प्राप्त किया है। तो अब रामानंद जी ने ये पुराण भी बताए, दिखाए उसको कि भाई देखो पुराणों में ऐसे लिखा है। अब वो भी ब्राह्मण था जो उसके पास आया हुआ था, और वो भी सभी ब्राह्मण लोग पहले इन सदग्रंथों में जरूर विश्वास रखते थे, सुनते थे दूसरे से, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी, जब पुराणों में लिखा है तो बात खत्म होगी, ब्रह्मा जी ने कहा है तो बात खत्म होगी, बृहस्पति जी ने भी यही कहा है कि प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ेंगे। तो वो दुखी प्राणी कहता है, जी जैसा जय होगा फिर देखी जाएगी। परमात्मा कहने लगे, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, स्वामी जी मैं एक अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने। कहा भाई बोलो, आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को? तो रामानंद जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि मैं दोनों को ही सत्य मानता हूं, जो इनमें लिखा है वो सत्य है। परमात्मा ने कहा इसमें बहुत अंतर है, वेदों और गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला है और पुराणों का ज्ञान किसी ऋषि विशेष ने बोला है। मैं जो बताना चाहता हूं, स्वामी कबीर परमेश्वर कहते हैं कि वेदों का ज्ञान फाइनल है और पुराणों में जो कहा वो किसी ऋषि विशेष या ब्रह्मा विष्णु महेश की अपना अपना विधान है, अपना अनुभव है। यदि ये वेदों से नहीं मिलता है तो ये व्यर्थ है।
तो स्वामी जी कहते नहीं वेदों में भी ऐसा लिखा है। परमात्मा बोले नहीं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, क्योंकि वर्तमान में जो दुख होता है प्रारब्ध के पाप कर्मों से होता है, और पाप कर्मों का नाश होए बिना वो सुख नहीं हो सकता। पेट में दर्द हो गया, उस दर्द का नाश होए बिना सुख नहीं हो सकता, तो उसकी औषधि है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कहते हैं ढे संचित कर्म भी और प्रारब्ध कर्म भी कितने ही क्यों ना हो, जैसे एक सूखा घास लाखों टन कहीं पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख चसा कर जगा कर जला कर उसमें फेंक दे, सारे को फूक कर राख कर देती है, चलती है तेज हवा उसको इधर उधर फेंक राख को साफ कर देती है। अब रामानंद जी कहते हैं ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआवे यो भूल गया सृजन हारा, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब रामानंद जी कहते हैं कि वेदों में कहीं ऐसा प्रवर्णन नहीं है कि भगवान पाप नाश कर देता है। परमात्मा ने कहा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 को देख स्वामी जी। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये वेद आपके पास है, आप शिक्षित हैं वर्तमान में, और ये प्रोजेक्टर ये आधुनिक टेक्निक भी अपने काम आवेगी, परमात्मा के बच्चा के काम आवेगी सदग्रंथों को देखने और समझने के लिए। अब पुण्यात्माओं, इससे पहले थोड़ी सी हिंदी इस दानंद की ओर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो है एक वर्तमान में महर्षि पाक रहा था इस कलयुग में, यो दानंद सरस्वती महर्षि दानंद नाम से प्रसिद्ध है, और इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, और उसके शुरुआत में लिखा कि मैंने ये इसकी रचना वेदों के ज्ञान आधार पर लिखी है। तो आम व्यक्ति वर्तमान में वेदों से तो वंचित रहा, वेद तो उसके हाथ से पहुंच से बाहर थे, क्योंकि ये ढेर सारे खरीदने पड़ते, और सत्यार्थ प्रकाश जो ले लिया सभी ने खरीद लिया कि इसमें जो ज्ञान लिखा है, महर्षि दानंद बड़े विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, ये इसकी ऐसे दंत कथा इसकी प्रसिद्ध थी, लोक वेद के आधार से प्रसिद्धि थी। तो सभी ने इस सत्यार्थ प्रकाश को, विशेषकर हरियाणा में जो थोड़े से भी भगवान को चाहने वाले थे, सबके घर में सत्यार्थ प्रकाश रखा हुआ था यह पुस्तक। और जब इसको परमात्मा कबीर जी के तत्व ज्ञान से जब इसका परीक्षण किया, तो ये तो एक अन्य का भी ना पाया, इसमें कोई वेद ज्ञान नहीं और ना ही इसको इसके अंदर कोई सामाजिक ज्ञान, वो भी सारा उल्टा ठोक रखा, सारी बकवाद गढ़ रखी इसके अंदर, और वेदों के विपरीत टोटल ज्ञान दे रखे। अब देखिएगा इसने क्या कहा है, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिएगा महर्षि दानंद का यू पोज देख के आम आदमी नो सोचा भाई यू तो महर्षि पड़ा था और भगवान तो मिल रहा होगा कति, क्योंकि ये थे इनके दुनिया को मोहित करने के तरीके एक्टिंग। अरे देखिए इनका ज्ञान, ये क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में, सत्यार्थ असत्यार्थ प्रकाश है, इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणी संविन्त है, ये सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों के आधार से श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। महर्षि दयानंद के पहले और पाछा कितनी बड़ी बड़ी उपाधि ला रखी है कि इसने वेदों के आधार से इसकी रचना की है, ये सत्यार्थ। अब ये कहां से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीना नगर पंजाब से।
और इसके प्रकाशक इसके प्रिंटर प्रिंट कहां से हुआ है? ये आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक दूरवासुर का ये है। इसके समुल्लास यानी अध्याय नंबर 7 में आप देखिएगा, इसमें तो एक पृष्ठ पे ये अप फेल हो रहा है, सप्तम समुल्लास है, ये है 155 पृष्ठ और ये सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7वां सत्यार्थ प्रकाश और 156 पृष्ठ पे नीचे क्या लिखा है। किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है वा निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब देखो 155 पृष्ठ पे ही अगले पृष्ठ पे लंबा चौड़ा भी ना गया कितना है सप्तम समुल्लास, यहां प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं, उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता ने उत्तर प्रश्न किया कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं, पाप नाश नहीं होता। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें? उत्तर स्वामी दानंद जी दे रहे हैं कि उनके करने का फल अन्य ही है, पाप तो कटे कोई नहीं और लाभ है भक्ति करने। क्या है प्रश्नकर्ता कहता है, उत्तर स्वामी दानंद जी देते हैं, कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अरे तेरा के जो कहते हैं पाप तक कटे नहीं और पापी आत्मा परब्रह्म से यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान से मिल ले और उसका साक्षात्कार कर ले। साक्षात्कार तो साकार का हुआ, निराकार का साक्षात्कार कितना होगा? ये देखो आमने सामने, यहाँ तो कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है और यहाँ कहते हैं बक्स उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। वाह रे स्वामी जी, भांग पी के लिखा करता हो पुण्यात्माओं, ये आपका जची ना होगी कि वो भांग पीता होगा, वो तो भांग के ठूठे पिया करता करती लोटे के लोटे। अब ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना जच्चे को ना, ये देखिएगा ये दानंद की ही आत्मकथा स्वयं अपने हाथ से लिखी हुई है और इन आर्य समाज के इन अनुयायियों ने छपवा रखी है। अब देखो ये है आत्मकथा दान सरस्वती, इसने अपने हाथ से लिखा, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर तक राजस्थान से, मुद्रक है वैदिक मंत्रालय केसरगंज अजमेर। अब ये स्वयं यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा आत्मकथा प्रश्न नंबर 22 से प्रारंभ होती है। पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, ये अपने हाथ से लिख रहे हैं, उसके अर्थ आगे को चल दिया और सूरज आसूद सुधी दो संवत 1953 अर्थात सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए, वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करने करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता। ये दास नहीं कहता,
इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ के सुना रहा है। और इसके और सारे जो समाज नाश की बता जाते इसकी और इसी मोटी पुस्तक है इसकी जीवनी, उसमें तमाखू सूंघा करता, हुक्का पिया करता, तमाखू खाया करता और पता नहीं पारे की गोली खाया करता, अबरक भसम खाया करता, सा पिया करता और भांग पिया करता, ये सारा कुछ लिख रखा। तो अब कहने का भाव ये है कि ये भांग पी कर ऐसी बात लिख सकता आदमी, पहले पृष्ठ पर लिख रहा निराकार, अगले वह कह रहा साकार, उसका साक्षात्कार हो जाए और पाप कटे नहीं। पुणात्मा इस दानंद जी की छुरी तो ऐसी है कि उससे और लाभ हो जाएगा। जैसे साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा हो किसी ने, थोक विक्रेता और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा, और उसने लकड़ी के गुटके पैक करके रखे होंगे, ऐसा लगता उसने साबुन सोपने में देखा नहीं हो। जिसकी ये स्टेटमेंट हो, कैसी कोई उससे पूछे इस साबुन विक्रेता क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, मैल नाश कर देगा, और वो साबुन विक्रेता कहे कि नहीं साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो प्रश्न करता स्वभावी कहेगा फिर साबुन लाण का फायदा क्या, और उत्तर मिले कि उससे कोई और लाभ हो सकता है, होता है क्या, कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में साबुन देखा है, प्रयोग तो बहुत दूर की बात, उसने उसको तो डेफिनेशन का भी ना पता भगवान साबुन की का। तो ये महर्षि पाक रहा था, इसने परमात्मा की परिभाषा का भी ना पता, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उसकी महिमा से भी परिचित नहीं, वेदों में क्या लिखा है ये वेदों में जानता है नहीं, वेदों में लिखा क्या था कहा क्या है, वेदों में दिखाता हूं आपको अभी। अब जैसे कोई रोगी जावे वैद्य के पास और बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा हो वैद्य का, और रोगी कहे कि भी क्या मेरा औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद्य ये जवाब देवे कि नहीं औषधि खाने से रोग नहीं नाश होगा, तो रोगी भाई पूछेगा स्वाभाविक भी फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है, किसे और लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहलवान बन जाएगा। अरे पहलवान उसकी ब्रांड में टीवरी है, मृत्युन्य कटारी है, पहलवान बन जाएगा, तो वो तो नकली वैद्य और उनमें मेरे ख्याल में लकड़ी का बूरा भर जाएगा उनमें पैकेटों में, वो ऐसी बकवास कर सकता है। तो ऐसा सिद्धांत, ऐसी ऐसा विधान, ऐसी छुरी है सत्यार प्रकाश के ज्ञान की, महर्षि दानंद की। अब प्रश्न करता कहता है क्या भगवान की उपासना करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, क्या भगवान पाप छुड़वा देगा, पाप नाश कर देगा कि नहीं नहीं, तो फिर लाभ के भाई कहता वो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उससे मेल हो जाएगा, अरे पापी आत्मा पाप कटे नहीं, अरे वो भगवान तो मिल लेगा, अरे थरा बाग फूटे बाग हमारे से महर्षि मिले हमने। अब उन्हीं के द्वारा अनुवाद किया गया यजुर्वेद, अब इसमें छह बार लिखा है भगवान के गुणों में कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर दे, ये देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसके द्वारा अनुवादित है, ये राइटर नहीं है इसका। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली दूरवास ये यजुर्वेद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में 241 पृष्ठ अष्टमोध्याय 8वां अध्याय और इसका मंत्र नंबर 13। अब ये संस्कृत है, ये अक्षर में अक्षर फसा रखे हैं, ना ये पढ़े जा ना पढ़ मावे इसमें, और परमात्मा ने सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा है कि ये सारी ये बातें वो ना पढ़ दीन हमारे ताई, लेकिन अब इसलिए ये पढ़ने जरूरी हो गए। क्या लिखा है, देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, एक बार ना नो बोले थारे गुरु जी ने पढ़ना चाहता है ना, वो के संस्कृत बताओगे, इवन पढ़ सीख लिया, देखो देव कर्तस्य
एन एस से एवजन वसी लेप के कर लोगे, मनुष्य कर्तस्य एन एस से एवजन वसी, पितर कर्तस्य एन एस से एवजन वसी, आत्म कर्तस्य एन एस से एवजन वसी, एन एस से एवजन वसी। ओहो एन से माने घोर पाप का विनाश करने वाले, अभी नहीं के अनुवाद को दिखाते ना मारले कन्यों के नहीं सुना पर बना लिया है। इन्होंने अनुवाद किया है, यह देखिए यह लिखा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहां और डंगा डाल दिया इसने, अब मित्र लिख दिया। ये पढ़ने वाला ने सोचा मित्र मित्र के बारे में लिख रखा होगा, क्योंकि महर्षि दयानंद तो कहते हैं ना वेदों में कितने लिख नहीं रखा कि परमात्मा पाप नाश करता है, और वेद कहे हैं कि तो घोर पाप नाश कर दे, तो ये मित्र माने परमेश्वर शब्द है, इन्हीं के शब्दों दिखाते हैं। पुण्यात्माओं ये क्रोथा कांड जो है ना, इसका यही कारण था कि जब से इस दास को जातम ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया ज्ञान के अज्ञान वाले का, तो दास ने इन सभी सदग्रंथों को पढ़ा देखा, वेदों को देखा, परमात्मा की वाणी को देखा पढ़ा, और फिर सत्यार प्रकाश को पढ़ा, तो इसमें बहुत त्रुटि पाई। तो हमने प्रकाश समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से ये बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे वेदों में लिखा है पाप नाश हो जाते हैं, और महर्षि दयानंद जी ने अपने विद्वान अपनी अनुभव में लिखा है कि पाप नाश भगवान नहीं करता। तो सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार नहीं है, उससे हटकर हमने फिर पुनः वेदों को ही देखना चाहिए। इस बात का उन व्यक्तियों को दुख हो गया जो आचार्य लोग थे, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने को आ गई, लोग उनको धिक्कार करते कि तुम इतने दिन हो गए तुमने पढ़ा कोई ना डंगता है, और सत्यार प्रकाश बिकना बंद हो गया हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उन्होंने लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उत्तर दिया उन्होंने एक दिन समाचार पत्रों में कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती है, ये तो झूठ बोलता है, वेदों में कहीं नहीं लिखा है भगवान पाप नाश कर देता। तो हमने फोटो स्टेट कॉपी करवा कर विज्ञापन के माध्यम से आठवें अध्याय के यजुर्वेद की 13वें मंत्र की भेज दी, पेपर में निकलवा दी कि दयानंद जी की ही अनुवादित है, पढ़ लीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसमें तो मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के बारे में नहीं। यानी इनका उद्देश्य यह था दुनिया को भ्रमित रखें, सच्चाई से परिचित ना हो जाएं, और इस कारण से इन्होंने दुनिया को सच्चाई से हटा करके झूठ बोल बोल कर बदनाम करके ये इतना जुल्म करवा दिया। अब देखो सत्यार प्रकाश दयानंद जी का ये सत्य, वही सत्यार प्रकाश है जिसके प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, वही नो का नो जो अभी आपको दिखाया था, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और ये यहां से छपा है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक दूरवासी। इसके प्रथम समोल्लास में प्रथम अध्याय में और 18 नंबर पृष्ठ पे ये प्रथम समोल्लास है, और ये 18 पृष्ठ पे यहां लिखा है जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहां मित्र मीन हमने परमेश्वर ही जानना पड़ेगा लगाएंगे हम। अब लीजिए यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है महर्षि दयानंद द्वारा जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद है यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 का। हे सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप, देव कर्तव्य दान देने वाले के अपराध के, एनस्य माने अपराध कहो पाप कहो, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप, पाप कहो से अपराध कहो, आप दान देने वाले के एनस्य माने पाप के अपराध के, अवेदन माने विनाश करने वाले हो, ओहो यानी पाप छुड़वाने वाले हो, पाप नाश करने वाले हो, मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध के, अवेदन माने विनाश करने वाले हो, पितृ कर्तव्य पिता के किए हुए एनस्य माने
आने समय में प्रहद के इन्होंने विरोधाचरण के लिखा है। अवैधन माने हरने वाले हो, छह प्रकार नाश कर हरने वाले हो, आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए अनस्य माने पाप के अपराध के, अवजन माने नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, दूर करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म के अर्थात घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब के अनस्य माने अपराध के, दुष्ट आचरण के नहीं, अपराध के पाप के अवेदन माने दूर करने वाले नाश करने वाले हैं। यानी जो भी अनजानपने में जो भी मुझसे और या जान के भी करूँ उसको भी आप, उस पाप का भी आप नाश करने वाले हो। अपुणात्माओं ये वेद ये ना समझना कि इसमें एक सेंटेंस लिखा है कि मैं जान का पाप करूं चाहे अनजाने में करूं, सब का पाप का नाश करने वाला। इसका अर्थ क्या है, जैसे हमने पता है कि हम पोचा लगाते हैं, लिपते हैं या वैसे कपड़े से फिनाइल से, तो उसमें जीव मरते हैं, पता है हमने और कर रहे हैं। हम खाना बनाते हैं लकड़ियों में, गैस में, चूल्हे में जीव जलते हैं, पता है वो अदृश्य जलते हैं। किसान खेत में हल जोतता है, उसको पता है इसमें जीव मर रहे हैं, खेतों जमीन से बाहर आ रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी है, वो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म हैं जो करने ही पड़ते हैं, तो वो जानते हुए भी कहो रहे हैं, उनका भी नाश करेंगे, भक्ति से होगा। जैसे कपड़ा प्रतिदिन यूज करने से मैला होता है, तो प्रतिदिन साबुन और पानी का प्रयोग करो, साफ होता रहेगा। लेकिन जानबूझकर नहीं करने, जैसे मांस खाने के लिए बकरे कोई जीव हिंसा कर ली, या कोई वैसे जैसे आप रस्ते में देख रहे हो मकोड़े कीड़ी चल रही है और आप जानबूझकर उनके ऊपर कर चल रहे हो, तो वो पाप है। उनसे बचने की चेष्टा करो जहां तक संभव हो, और बचते बचते भी कोई मरता है तो वो पाप नहीं। अपने आत्माओं अब क्या बताते हैं, रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी ने दिखाया कि देखो स्वामी जी आप तो पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ी हो इसने, अब परमात्मा के सामने रामानंद जी झूठ नहीं बोल सके थे। इन्हें बोले बच्चा प्रतिष्ठा सही लिखा हुआ, मन तो जिंदगी में कभी देखा को नहीं, इस दृष्टिकोण से पढ़ा ही नहीं इसको। अपने आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहते थे आवाज लगा लगा कर कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं, संस्कृत वासी संस्कृत के वक्ता चारों वेदों ने घोट के बोले बोले जा रहे हैं, ये तो इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इनको ज्ञान कति नहीं। जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता आंखों में, वो आंखें कति स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ स्वस्थ, लेकिन उनको दीक्षता कति नहीं, अंधे होते नपट अंधे। तो परमात्मा कहते तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं, ये मैं ऋषि की पदवी लाए फिर इन्हें कह कह का नहीं पता वेदों में क्या लिखा हुआ है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा ने रामानंद जी को वेद पढ़ाए, रामानंद जी 104 साल के बुढ़े ने चरणों में शीश रख दिया कि आप गुरु मैं आपका बालक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। परमात्मा क्या करते है, अरे ज्योति निरंजन काल इस तेरे लोक में कित न्याय नाम की चीज नहीं, कित तनिक भी जरा सा भी न्याय नहीं है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। ले वह भूत भी लाग गया बोलने, सच्ची कहे भाई
कोई भी इसने बेरा पट गया वे बर गया हम तो हमारी तो बेरा अनवाटी हुए दी गलत साधना करके भूत बन गए मारे किलकी पड़े पड़े हुए। तो पुण्यात्माओं ये ब्रह्म माटी नकली गुरुवान करा रखी अपने दादे परदादों की पूर्वजों की। वो बोली आत्मा थी इन पर विश्वास करा करते बड़े विद्वान और वेदों के ज्ञाता इन्हें कह कह का भी नहीं पता था ये पाखंडी थे। परमेश्वर कहा करते थे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा उड़ है मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़ है मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उलटा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उलटा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भई साधो या सब उलटा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भई साधो या सब उलटा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बताएं और इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो जो व्यक्ति ब्राह्मण जो दुखी था, महादुखी था, परमेश्वर कबीर जी के इन विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और परमेश्वर कबीर जी ने कहा भाई अब मैं बताऊंगा तेरे कोई दुख सुखी होने की विधि, तू मेरे पास आना। तो फिर वो कबीर जी के पास गया, परमात्मा के दिए मंत्र से उसको बहुत लाभ हुआ, पूरा परिवार स्वस्थ हो गया, घर में वृद्धि धन वृद्धि होने लगी, बरकत होने लगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छी प्रकार वो जो ना हर तरह से उसका लाभ हो गया। रट जाओ बूतो, अपना तो काम बिगाड़ दिया, हम न तो लेने दो थोड़ा आनंद भक्ति का। अब उसने पर वो तो फिर समझ गया, वेदों में लिख रखे लिखा हुआ कि भगवान गौर पाप ने काट दे, परमात्मा के चरणों में गया, सारे सब सुख हो गया। तो वो व्यक्ति फिर एक दिन कुदरती उस शारदा के पास चला गया, परमात्मा भेजता अपने बच्चों को निकालता काल के जाल से। अब शारदा से कुशल मंगल पूछी, शारदा ने अपना दुख रोया कि मैं तो बहुत दुखी होगी, मेरा तो इंतजार कर रही हूं कब मौत आवे मेरा दुख दूर हो, मर के पांडा छूटेगा पीछा छूटेगा। तो उस ब्राह्मण ने जो कबीर परमेश्वर का शिष्य होने के बाद सब सुख हो गए थे, परिवार भी स्वस्थ हो गया था, घर में भी खूब लाभ हो गया था, कर्जा भी उतर गया उसका सारा, और जो रिश्तेदार उसको देखकर भी प्रसन्न नहीं थे टोटे के कारण, अब वही उससे उधार लेने आ रहे हैं। शारदा जी से उसने कहा, शारदा जी आप मेरी बात मान लो, एक महात्मा गुरु जी से उपदेश ले लो, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका कष्ट नहीं रहेगा। शारदा जी ने सोचा भाई ये ब्राह्मण है और मैं इससे खूब परिचित हूं, ये बहुत दुखी था,
और आज ये कति सुखी हो गया। उसने सोचा ये ब्राह्मण है, कोई अवश्य ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। उससे पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि कबीर परमात्मा। वो कहने लगी वो दानक। अब वो कहने लगा वो उसका रिश्तेदार के शारदा। अब तेरे लिए से वो दानक है, मेरे लिए तो परमात्मा है। और वो परमात्मा आए हैं सतलोक नथ चलकर, और जो काम भगवान किया करता है भगवान आज काशी में करने लग रहे हैं। जब करवाया जाता करवा ले। एक बात बता। वो कहने लगी कि आप तो ब्राह्मण होकर दानक ते नाम ले लिया, तेना शर्म नहीं आई? इज्जत का नाश कर दिया, हम तो जगत के गुरु हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से परिचित था। वो कहने लगा शारदा दुख ना माने, मैं भी ब्राह्मण हूं और तो भी ब्राह्मणी है। अब भगवान के ज्ञान के आधार से मुझे पता लग गया कि हम जीव हैं, हम एक इंसान हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारा ब्राह्मण वाला एक भी कर्म को ना, ब्राह्मण तो मैं ही बोया हूं जब तो उस कबीर जी का नाम लिया है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, परमात्मा ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। और कहने लगा कि आज हम ब्राह्मण हैं, कल मृत्यु हजार गधे बन गए, बता के ब्राह्मण रहे फिर हम? क्या दूसरा जन्म नहीं होगा? कहां होगा? और कल ना हम दानकों के पैदा हो गए, तो चमारों के पैदा हो गए, तब क्या करेगी? अब वह स्तब्ध होगी लेकिन स्वीकृति नहीं दी। इतना प्रभावित होगी कि यू आदमी तो घना दुखी था, और आज इसके सुख का अंत नहीं सभी बतावे हैं। फिर उसने मन में ये सोच लिया कि कभी कबीर जी यहां आसपास आ जाएंगे, उनका मैं परीक्षा लेकर नाम लूंगी, परमात्मा नो भी कृपा बख्शती। कहते सोशल फीडर मैं करूं अपने जन के काज। उस शारदा वाले कॉलोनी में गरीब की झोपड़ी थी, वहां सत्संग रख दिया रात का। दिन में काम करते थे अपना, परमात्मा कहते भाई दिन में तो धंधा करो, शाम ना आ जाओ, सत्संग सुना करेंगे पर चर्चा किया करेंगे। तो जिसके सत्संग था परमात्मा की कृपा हुई, वो भी पहुंच गई आसपास, अड़ोस पड़ोस में न्योता दिया करे आज यू हमारा सत्संग होगा। तो उसने पूछा शारदा ने कौन आएगा तुम्हारे गुरुजी के? कबीर भगवान आवेंगे। वो कहने लगी कबीर, वो कबीर के जुलाया धानक है। वो कहने लगी परमात्मा की वाणी याद थी उसके, जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञाने, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्याने। संत की जात ना पूछा करे ब्राह्मणी, ज्ञान पूछ उससे समाधान देख क्या क्या सुख होते हैं। अब उसने सोची एक तो सुनी, दो तो सुनी, तीन तो सुनी, चार तो सुनी, सारे नौके हैं। उसने सोची आज तो बड़ी दया करी परमात्मा ने, और आज मैं भेष बदल कर जाऊंगी और मुझे कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा कि ब्राह्मणी वहां गई थी, और यदि मुझे आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ होगी तो वहीं पैर पकड़ लूंगी। इतनी दुखी थी वह। अब उसने परमात्मा की दया होती थी, उस समय क्या करते थे, एक ज्योति जलाते थे खड़ी अखंड, ऊपर में अखंड अमर ज्योति बोलते हैं इसको, देसी घी की, वो रोशनी का भी काम करती थी और अवन का भी, दोनों काम करती थी। दीपक उसमें दीपक जगाया करते थे कोई मिट्टी सरसों के तेल के, लेकिन उसके स्थान पर देसी घी की ज्योत जगाया करते सत्संग के दौरान। उसका ऐसा टिमटिमाता सा प्रकाश हुआ करता। अब सभी श्रोता इसे 20-30-50 भगत आया करते आ रहे हैं, परमात्मा के बैठे हैं सामने एक आसन पर कबीर जी, और सब भक्त आते हैं आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूते हैं, दंडवत करते हैं, और इधर उधर एक तरफ बहन एक तरफ भाई बैठ रहे हैं। इतने में वह भी आ गई ब्राह्मणी, सरदार घूंघट काट गए पूरे मुंह न ढक कर पहचान ना ले, और वैसे ही कपड़े पहनाए जिसे वह पहरा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और बनिए साड़ी ज्यादा बांधते थे और अन्य दूसरे थोड़े दूसरे टाइप की वस्त्र चेंज करके रहते थे। तो ऐसे वो उसी वेशभूषा बनाकर गरीबों जैसी और वहां आ गई।
और जो ही उसने परमात्मा के चरणों में शीश झुकाया और परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा, कहा ये सर्वानंद की माँ ये ब्राह्मणी आज कैसे आ गई दानत के पास, तेना के कहेगी दुनिया, अगवा तो दौड़ी होगी कती और हाथ उठाया भी नहीं था, इतने में स्पष्ट होगी। उसने जब पिछाण तो ली और बात भी बन गई, जब वो घूंघट ऊपर ने फेंक दिया और चरण पकड़ दिए, न बड़े अंतरियामी मैं तो लुट पिट ली कती, आप तो भगवान पड़े। खड़ी होकर बताने लगी सब ने कि मैं इतने दिन तक बीमार थी, कॉलोनी वाले सारे जाने हुए और मैंने सब जगह इलाज करा लिया, मुझे कती राहत नहीं मिली, और आज परमात्मा रहे हैं भक्तो, परमात्मा रहे मेरे सिर पर हाथ रखते हो, मैं ठीक होगी। पागल सी होगी, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं, सरेआम रुक के मारे। फिर परमात्मा ने कहा कि पंडितानी ज्ञान सुनिए, जानते हैं केवल इस एक सुक्त बात ना बढ़े, ज्ञान सुनेगी जो हृदय में समा होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो उसने सत्संग सुने, कई लगी लगातार सत्संग सुने, जहां भी आसपास हो सत्संग वहीं पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान बची लाखों पाए। अब कति दृढ़ होगी कि पृथ्वी पर ज्ञान यही और भगवान यही। तब उसने उसका बेटा जो सर्वानंद था, माँ की ममता थी, भगवान किसी प्रकार इसको भी शरण में ले ले, यो हंड है विद्वान पा क्या, इसने कैख का भी पता को नहीं। अपने आत्माओं एक दिन सर्वानंद ने क्या सोचा कि मैंने, सर्वानंद के मन में विचार आया कि मैंने आसपास के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं अपनी माँ से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। इस उद्देश्य से सर्वानंद ने अपनी माँ से कहा कि माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दे। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बुंडा नाम है, ये कोई बुरा नाम थोड़ा, बहुत अच्छा नाम बेटा। अक नहीं माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दो, क्योंकि मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मेरे नाम से ही दुनिया को पता लगे कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सब पर विजय पाली है, सब विद्वानों को प्रस्त कर दिया है, मेरे नाम से ही परिचित हो। लगा डेंग मारने। उसकी माँ बोली भाई एक काम करे, एक विद्वान ने और राजे पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने कहा बता माताजी कौन है कि कबीर भगवान को, कबीर वो दुल्हा कबीर, कहा वो कबीर दुल्हा बेटा। ने बोली माँ वो तो एक मिनट में हाथ खड़े कर दिया मेरे सामने। माता बोली भाई एक काम करिए, आरजीत का कोई प्रमाण दे के आना, लिखित में मानूंगी मैं वैसे नहीं। ठीक है माता जी। अब सर्वानंद ने क्या किया, सभी वेद पुराण गीता जी एक बैल के ऊपर दो मुंह का बोरा रख के, ठला रख के उसमें भरके चलिया करता हो, और चल दिया जब मैं दोपहर ने 12 बजे जून का महीना, और पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में। वहां कबीर परमेश्वर की मुंह बोली बेटी थी कमाली, जो एक शेख तकी मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी का राजा का पीर धार्मिक गुरु, उसकी बेटी मर गई थी, वह कब्र में दबा रखी थी। उसकी शर्त पे उसने शर्त रख दी थी कि यदि कबीर जी मेरी बेटी को जीवित कर दे जो कब्र में है तो मैं इसने मान लू यू अल्लाह है। परमात्मा ने वो लड़की कब्र फुड़वा के और अपने आशीर्वाद से जीवित कर दी थी। फिर वह लड़की उस नकली पिता के साथ नहीं गई थी, कबीर जी के साथ 10-12 वर्ष की लड़की थी, कबीर जी के साथ बाप बेटी रूप में उनके साथ रहा करती थी। परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया, भक्ति दी। तो वह लड़की कुएं पर पानी भरे थी दोपहर ने, कुएं से जल निकाल रही थी बाल्टी से, अपना मटका घड़ा भर रही थी। परमात्मा ने सारे मोट दबाया, सर्वानंद की प्यास में जान निकलन होगी, एकदम इतनी प्यास लगी। और जुलाहों की कॉलोनी में यदि उस समय ब्राह्मण आ जाता, इतनी छुआछात थी, तो सभी कॉलोनी वाले अपने घरों से बाहर निकलकर ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जा, सब देखो अपना हाथी आ गया, तो ऐसे नो देख रहे कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में।
तो उधर से सर्वानंद ने भी देख लिया, सब देख रहे, तो पता अंडरस्टूड था। उधर जान निकलन न हो रही, पानी ना मिल रहा है, तो मर जाएगा 10 मिनट में। उसने कहा बेटी जल पिलाना, बेटी प्यास लगी है, लो महाराज जी पी लो। उसने ऐसे कर लिया, लड़की ने कुएं से जल बाल्टी से निकाल कर उसके डाल दिया। जब वो छक लिया ना, प्यास खत्म होगी। जब उसने देखा इधर उधर, अगर सारे देखे तेरे को, तो उस समय छुआछात इतनी चरम सीमा पर थी कि ऐसे वो मौत समझते थे अपनी, कि दानका के कुएं का पानी ब्राह्मण ने पी लिया। तो उसने सोचा तो बेइज्जती होगी, ने बोलिया ए लड़की ये कौन जाति का कुआ है। लड़की बोली पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणा का कुआ नहीं होता, जुलाहों का ही कुआ होता है। ए लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से, है तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। ने बोली पंडित जी जब तक तेरी जान लकड़न हो रही थी पहले पूछ लेता मैं कि नटू थी, जब तो तेरी प्राण आ गए थे आंखों में, मरता पी गया पानी नखरे कर रहा। तो फिर बोला लड़की गणी ना बोला है को कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर। अब पता था उस बेटी ने कि यू खसन आया होगा गुरु पिताजी के साथ बकवाद करना है। बोली आजा अपना बरका मटका चल पड़ी कि आजा ब्राह्मण मेरे साथ साथ, मैं बताती हूँ भगवान। वो कहने लगी कि कौन से कबीर का घर पूछती है, पूछता है परमात्मा। लड़की ने कहा कबीर का घर शिखर में, शिखर मानी सतलोक में, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पे सतलोक में, कबीर का घर शिखर में जहां से ले ली गैल और पाव ना टेके पपील के, तो पंडित लाज रहा बैल। तो इन पोथा तो बूढ़ा जाना चाहे क्या सत, जहां कबीर का घर है सतलोक में सचखंड के अंदर। ने बोला ए लड़की गणी ना बोल रहा है, मैं कॉलोनी में पूछ रहा हूं उसका कहाँ है घर, क्या जाए मेरे साथ साथ कॉलोनी में बता देती हूँ। अब लड़की जल्दी जल्दी चलकर जाके कहने लगी, अंदर प्रवेश कर गई, ब्राह्मण पीछे खड़ा हो गया बाहर और पानी का मटका उतार के कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और बैल के ऊपर ना गणेश शास्त्र किताब रख रहा है धार्मिक, आपको पूछ रहा है। पिता कबीर जी बोले जा बेटी बुला लिया। वो बाहर आई कि आ जाओ पिताजी याद कर रहे हैं आपने, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो बाहर खड़ा रहा, न बोला बेटी ऐसे कर ये मेरा लोटा पानी का भर दे। वो अंदर से एक बड़ा जग ले आई पानी का और लोटा भर दिया। सर्वानंद कहने लगा और डाल दे, कति फुल करवा लिया कि उसमें और एक घूंट भी पानी डाल दे सारा भर जा, एक ड्रॉप भी। और कहने लगा बेटी ये लोटा ले जा मेरे वाला भरा हुआ और कबीर जी को के सामने रख दे, जो उत्तर दे मुझे बता। वह लड़की धीरे धीरे पकड़ के लोटे को के कहा कि जल नहीं इसका गिरना चाहिए, वो धीरे धीरे लेगी। अकेले पिताजी सर्वानंद ने भेजा दर दे बेटी और रख दिया। परमात्मा ने क्या कराया, एक लंबी मोटी सुई थी वह डाल दी उसमें लोटे में और कहा जा उस सर्वानंद को दे दे। वो उठा के फिर जल को फेर लिया, लोटे को ले पंडित जी लो। तो उस सर्वानंद ने कहा क्या जवाब दिया मेरे प्रश्न का। अब पिताजी तो बोले नहीं, इसमें एक सुई डाल दी लोहे की। अच्छा फिर अंदर गया वो कि ए कबीर आओ पंडित जी कैसे आना हुआ, तेने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमात्मा ने कहा आप जी का प्रश्न क्या है ये बताइएगा। मेरा प्रश्न है कि मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है, क्योंकि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मेरी मां ने कंडीशन रखी है कि मैं आपको पराजित करके जाऊं ज्ञान में और आपसे लिखवा के ले जाऊं, तब मेरी मां मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी। मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं, लेकिन मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा हुआ है, इसमें और जल नहीं समाएगा। मेरे साथ वार तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी हार लिख दे। परमात्मा ने कहा अब मेरा उत्तर सुन ले स्वामी जी, मेरा उत्तर सुन ले पंडित जी।
मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा वजनदार ज्ञान है, जिस प्रकार या सुई मैंने इसमें डाली, तेरे लोटे के पानी को चीरती हुई इसकी तली में जाकर टिकी और जल बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान जब तेरे अंतःकरण रूपी लोटे में चलेगा ना, तेरा सारा ज्ञान बाहर निकल जाएगा और मेरे वाला तेरे अंदर समा जाएगा। राजा अच्छा आओ करो शास्त्रार्थ। ई बास पास के अनपढ़ अशिक्षित दुल्हे इकट्ठे हो गए, आसपास के अशिक्षित दुल्हे थे वो इकट्ठे हो गए। आज देखियो ये कुदरती बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सद। कबीर जी को मैं तो नहीं देते थे कलोनी वाले, बाहर का पंडित जी आ गया, ले बाज देखियो यू गुणा उपाक रहा था, आज इसको हरावेगा ब्राह्मण। अब बैठ गए सैकड़ों की संख्या में। तो सर्वानंद ने कहा कबीर जी प्रसन्न करो। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब यू एक प्रश्न बतेरा इन विद्वानों ने। अब वो क्या 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 करण लगा, कहता है तो अगर वो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, ये तो सर्वेश्वर है महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा बोले तू ये शास्त्र ले रहा साथ में, कहां ले रहा हूं, पुराण निकाल ले, शिव पुराण और देवी पुराण निकाल ले। ये स्वयं कहते हम नाशवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है और हमारे माता पिता हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाएगा दास, क्योंकि इस समय ज्यादा होता जा रहा है। श्रीमद देवी भागवत इसमें वही आपको दिखाते हैं, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा एवं शंकर विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी हे पंडित जी देवी भागवत तीसरा स्कंद निकाल के देख ले, पढ़ के दिखा सुना दे इनको ईमानदारी से, और श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ के और देख ले। इसमें लिखा है विष्णु की उत्पत्ति सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से, ये इनके माता पिता है, दुर्गा इनकी माँ है, काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन ये इनका पिता है। अब उसने वो भी खोल के देखा, एज इट इज लिखा था, पर अभिमान नहीं मानने देता, कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये अरे तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता, मान बढ़ाई ईर्षा छुट्टे बिना भगवान नहीं मिल सकता। अब उसने देख लिया सारे ठीक लिखे हैं, लेकिन बेइज्जती का नाश हो इज्जत का उड़े, कहने लगा कहीं नहीं लिखा है, झूठ बोलता है, और ही कोई इसने संस्कृत गोट रखी थी, आउट ऑफ सिलेबस याद कर रहे थे कि तक कोई उपनिषद को वो पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, कंठस्थ भगवान की महिमा बताने लगा, सुना जी ने कोई आध घंटे घंटे तक बोलने का संस्कृत, जो प्रश्न था वो छोड़ दिया और बंडन लाया गया, तो ज्यादा समय तक संस्कृत धारावाहिक बोलने तय
उन अनपढ़ दुलाहों ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया जीत गया, सर्वानंद जीत गया। कबीर जी आराधिए, ऐसे शास्त्रार्थ इन्हें नो बठा बठा रखे थे नकली ऋषियों ने। परमात्मा बोले अच्छा पुण्यात्माओं, या ऐसे होगी एक किसान का बेटा पांचवी छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा करता, उस समय अंग्रेजी लग गया करती पांचवी छठी ते, छठी कक्षा से इंग्लिश पढ़ने लग जाते हो, छठी सातवीं में एक आधा कोई ऐसे याद कर लिया आते प्रस्ताव, या कोई सिक लीव माय बेस्ट फ्रेंड इस तरह के ये एप्लीकेशन और प्रस्ताव याद कराया करते, एक दो ये मुश्किल तो याद होया करते। एक बार रविवार के दिन अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ वो बच्चा सुकू खेतों में जा रहा था किसी कामवश, आगे से अंग्रेज आ गया अपनी मोटर गाड़ी ले रहा था कार, वो रास्ता भी चल गया। उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, अंग्रेजी बोला वो, और कृपा मुझे ये मेरा ठीक रास्ता है क्या, मैं ठीक जा रहा हूं उस गांव में जाना मैंने, वो अंग्रेजी में बोला। तो किसान बोला रे बेटा तू भी अंग्रेजी जाने है, आज छुड़ा दे छक्के इस अंग्रेज के, बोल दे अंग्रेजी। उसने सुना दिया सिक लीव, वह छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुनानी शुरू कर दी, टू दी हेडमास्टर आई एम इल टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने सोचा देख मैं पूछू हूं रास्ता ही बताओ, सुनाओ सिक लीव, माथे माथ मार के और गाड़ी में बैठ कर चल पड़ा, चल और आगे पूछूंगा किसे थे। अब किसान ने कमर थपथपाई अपने बेटे की, बेटा वाह आज तने अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए भगा दिया। तो वो बोला पिताजी माय बेस्ट फ्रेंड और याद था जो सुन ले तो गाड़ी छोड़ के बात जाओ, तो ये तो माय बेस्ट फ्रेंड सिकलो सुनान ला गया सर्वानंद प्रसन्न के था और बकवाद के शुरू कर दी। तो परमात्मा बोला बेटा नाड़ी मान कोई नहीं, ठीक सब आई तो जीत गया मैं हार गया, क्योंकि सबने थाली पीट अठेड़ी पीट दी ताड़ी पीट दी, ठीक है तो जीत गए और मैं हार गया सर्वानंद जी, ठीक है मानना नहीं था उसके लिए ज्यादा क्यों बहस करी, कहने लगा ऐसे नहीं मानने वाला मैं, लिख कर दे दे मेरी माँ जब मानेगी, अच्छा लिख ले मैं तो अनपढ़ हूं। उसने लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गए कबीर जी हार गए। परमात्मा ने बोले दस्तक कर, परमात्मा बोले ले भाई मैं तो अंगूठा ला दूंगा, अंगूठा लगा दिया। अब गया खुश होकर अपनी माँ के पास, माँ जाते हाथ जोड़ दिया सुनाता है, अरने बोला आप जीत के मैं हार गया, लिख दिया अगले बेटा पढ़ के सुनाता है, पढ़ के सुनाया क्या लिखा था शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया कबीर साहब जीत गए। नो पढ़ के नो करे, कहने गया रे तू तो हार का है बेटा, तूने कहा मैं जीत का हूं। तो सर्वानंद बोला माँ मेरे से ना गलती से लिखा गया, मैं दो तीन दिन शास्त्रार्थ में सारी रात जगा हुआ था, ध्यान नहीं रहा। माँ बोली फिर लिखवा गया भाई, मत बिना लिखे ना मानू। वो फिर गया परमात्मा के सामने, कहने गया मेरे से गलती से गलत लिखा गया, परमात्मा बोले लिख ले भाई, फिर लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया कबीर साहब हार गए। आके अपनी माँ के पास पढ़ने लगे, वो उल्टे अक्षर हो पाए, शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए सर्वानंद हार गया। उसकी माँ बोली रे तू तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तू दुर्पोच भी है क्राइम लिख के लिया है। वो फिर नो बोला के फिर जाऊं, जाके फिर परमेश्वर से कहा, परमात्मा बोले फिर ला जाऊंगा अंगूठा भाई के, अंगूठा गैसा है मेरा था फिर लगा ले। उसने फिर वैसे लिख लिया फिर लगा लिया। अब घर के जो चौखट में अंदर प्रवेश करने लगा दरवाजे में, उससे पहले पढ़ रहा है बिल्कुल ठीक। उसने सोचा कि बिजली पड़े घर में घुसते ये बदल जाए। वो पढ़ता पढ़ता चल रहा है, माँ सुनाऊ माँ सुनाऊ, हाँ बेटा सुना। वो उसी समय ऐसे अक्षर चेंज हो गए जैसे टीवी पर दिखा दिया करें ये हाथ की सफाई। उस पर क्या लिखा पाया सर्वानंद हार गया कबीर साहब जीत गया। मुंह खुला खुला रह गया, बोले रे पढ़ता क्यों ना विद्वान है। वह माँ बोली पढ़े क्यों गुंगा हो गया, बैठ गया पेट पकड़ गया। जब तेने सोचा मेरा गलती हो जाए तो वहां क्या गया बदले, जब कड़ जाए लगे उसका। कहने लगे माँ के बताऊ वहां से लिख के लिया ठीक रिया हो जा से उलट। न बोली बेटा तू ठीक का ना लिख रहा,
तो लिख गलत रहा है, और ऐसा ही हुआ तो आर्या वो जीता है, रखा मामा आर गया वो जीता है, वो जीते हैं भगवान। बेटा भगवान नाम ले ले, क्यों दुनिया ने मूर्ख बना रहा, तू भी नरक में जाएगा, मेरी आत्मा तेरे में घनी फंसी हुई है, और मुझे पता लग गया मेरा बेटा विनाश को प्राप्त होगा, मुझे नींद नहीं आती दिन रात, एक ही प्रार्थना करती हूँ अपने परमात्मा के पास जाकर मेरे बेटे को शरण में ले ले, आज तेरा समय आ गया है, अखा मां सही आ गया, मुझे शर्म आओगी, मेरे साथ चलो, नाम दिवा दो, जब बोली चाल मैं तो तैयार बैठी हूँ, जब जाकर चरणा में गिर दिया, पड़े परमात्मा के चरणों में बना पड़े विद्वान, वो सर्वानंद ने फिर नाम लिया और कल्याण करवाया। बोलो सतगुरु जी सत साहिब।